समय ध्यान रखिएगा, रेखीय रेखीय माने का सीधी रेखा में गति करता है। जब कोई पिंड या कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है ना, उसी को हम रेखीय संवेग कहते हैं। एक होता है बेटा रेखीय संवेग आघूर्ण, तो जब कोई पिंड जो है किसी अक्ष के परितः घूमता है तो उस स्थिति में उसका जो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, वह जो है एम भी, और जो पथ की जो त्रिज्या होती है उसे गुणा करते हैं तो आ जाता है आपका कोणीय संवेग। तो चूंकि हमको यहाँ रेखीय संवेग ही जानना है तो बस ये जान लें, फिर से सुनिए मेरी बात को, रेखीय संवेग क्या है, लिनियर मोमेंटम किसे कहते हैं। तो रेखीय संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या समझा, वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को। तो वस्तु का अगर द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान क्या है बेटा, अगर मान लो क्या है m है, ठीक है, और वस्तु का वेग, वस्तु का वेग क्या है v है, ठीक है ना, v मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, 100 किलोग्राम में ले सकते हैं। तो बोले कि तब संवेग किसे कहते हैं, तो संवेग बराबर, संवेग बराबर, अतः पूछे कौन संवेग, तो रेखीय संवेग, ठीक है ना, तो रेखीय संवेग तो क्या होगा, द्रव्यमान गुणते वेग, ठीक है ना, संवेग। बेटा संवेग को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को एम से और वेग को भी से अगर प्रदर्शित करें तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर एम भी। अब पूछे कि संवेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। अच्छा तो पूछे कि इसकी दिशा किधर को होगी, द्रव्यमान हमेशा अदिश राशि होता है, समय अदिश राशि होता है, बेटा वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, चाल कैसी राशि, अदिश राशि। अतः पूछे सदिश अदिश क्या होता है, तो केवल परिमाण अगर पता होता है तो अदिश होता है, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा पता होता है तो सदिश होता है। तो संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि, इसको कैसे प्रदर्शित करोगे, पी से करोगे, ठीक है। तो अब द्रव्यमान कैसी राशि, अदिश राशि है, और वेग कैसा है, सदिश राशि है। तो पूछे संवेग की दिशा किधर होती, तो वेग की दिशा में होती है। तो ये आपको एक समीकरण मिल गया, इस समीकरण से हमने जान लिया रेखीय संवेग। अतः रेखीय संवेग किसे कहते हैं, फिर से किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग। इसे कैसे प्रश्न करते हैं, पी से। यदि वस्तु का द्रव्यमान एम है और वेग भी है तो वस्तु का संवेग पी एम भी होगा, कैसी राशि है, सदिश राशि। अब बेटा यहाँ पर इसके मात्रक के ऊपर विचार करेंगे हम लोग, मात्रक, तो पी का मात्रक, ठीक है ना, पी का मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, डायरेक्ट लेते हैं ना, क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम, ठीक है, और वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो पी का मात्रक जो होता है क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, या न्यूटन सेकंड होता है, या देखो बेटा हम कुछ नहीं करने जा रहे, ध्यान से देखिएगा, न्यूटन सेकंड कैसे होगा, ठीक है ना, तो किलोग्राम ये है आपका, ठीक है, और ये है मीटर, और नीचे क्या है, सेकंड, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर हम ऊपर नीचे बेटा सेकंड से गुणा कर दें, ठीक है ना, ऊपर भी और नीचे भी, अब जरा बताओ सेकंड में सेकंड का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। अब जरा सा फिर से यहाँ देखते हैं, संवेग का अन्य मात्रक है ना, तो कैसा होगा देखो, तो अब यह इसको हम लिख रहे हैं किलोग्राम, ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और एक सेकंड ऊपर वाला, ध्यान रखिएगा, ये देखो, ये देखो ऐसे इसको देखो, ठीक है ना, तो किलोग्राम मीटर सेकंड सेकंड का गुणा कर दिया, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये आगे क्या है, सेकंड, क्योंकि ऊपर नीचे से गुणा किए थे तो ऊपर वाला सेकंड है। अच्छा बेटा अब बताओ यह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को तुम क्या कहते हो, न्यूटन, तो बोलो याद है ना पीछे का परिभाषा, न्यूटन किसे कहते हैं, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, न्यूटन, और एक पहले ही से क्या होता है, सेकंड। इसलिए अब हमको याद रखना होता है कि रेखीय संवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो पहला मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है या न्यूटन सेकंड होता है, क्लियर, ध्यान रहेगा ना आपको, क्लियर यहाँ तक। अच्छा तो ये हम लोगों ने जान लिया कि
रेखीय संवेग क्या होता है बेटा, अब हम थोड़ा सा यहीं पर बता देना चाहेंगे क्योंकि जानकारी आपको ज़रूरी है। ये तो जाने हो रेखीय संवेग, अतः पूछे रेखीय का मतलब क्या, तो सीधी रेखा में कोई वस्तु गति कर रही है तो उसी का नाम क्या दे रहे हो, रेखीय गति। और रेखीय गति में वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही तुम क्या करते थे, रेखीय संवेग कर रहे थे, या केवल तुम संवेग कह सकते हो। लेकिन एक और होता है बेटा, उसका नाम है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है ना। कोणीय संवेग क्या होता है बेटा, इसके लिए थोड़ा सा समझ लो। तो मान लो कि कोई आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एम द्रव्यमान का कोई पिंड जो है भी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आर त्रिज्या है इसका, ये केंद्र ओ है, ठीक है ना। तो अगर कोई एम द्रव्यमान का पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो बोलो, अभी पढ़े हो ना कि एम भी का गुणनफल क्या कहला रहा है, संवेग कहला रहा है, द्रव्यमान गुणे वेग। लेकिन जैसे इसमें आर से गुणा कर देते हैं तो उसका नाम देते हैं कोणीय संवेग। तो जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होगा, तब यहाँ से लिखवाइए एम भी आर। तो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, एम भी आर, ठीक है ना। तो कोणीय संवेग ऐसे जानते रहेंगे। अब मात्रक किसके लिए करेंगे, तो ध्यान देखना यहाँ पर मात्रक क्या होगा, देखो ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और एक मीटर और, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है ना, मीटर का स्क्वायर प्रति क्या होगा, सेकंड। तो यह टॉपिक भी हमको जानते रहना चाहिए कि कोणीय संवेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई पिंड जो है किसी अक्ष के परितः आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घुमा करता है तो उसका कोणीय संवेग कैसे जानते हो, तो द्रव्यमान वेग और अक्ष से उसके घूर्णन गति यानी त्रिज्या दिखा सकते हो, त्रिज्या से गुणा कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं कोणीय संवेग, ठीक है। तो कोणीय संवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको रेखीय संवेग समझा दिया, इसी टॉपिक से केवल यहाँ रिलेटेड है लेकिन ये जानना भी जरूरी था आपके लिए, तो ठीक है। रेखीय संवेग क्या है, क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आप जो है याद रखिए। इसका मुख्य रूप से बीमा वगैरह भी निकालने के लिए आता है, तो चाहो तो निकाल सकते हो यहीं से। रेखीय संवेग पी की बीमा, पी की क्या बेटा, बीमा, ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, चाहे कहीं से निकाल सकते हो, चलो यहीं से निकाल देते हैं। न्यूटन, न्यूटन माने बल, तो बल के लिए एम एल टी पर घात माइनस दो, ठीक है। आज सेकेंड के लिए क्या कहोगे, टी, ठीक है। तो दिखाओ क्या होगा, एम एल टी पर घात माइनस एक। पूछो क्यों, आता देखो टी पर घात क्या है, माइनस दो है, किसकी बीमा है ये, तो ये न्यूटन बल की बीमा, ये है एम एल टी पर घात माइनस दो। और टी को टी से मिलाओगे तो यहाँ ऋणात्मक है और यहाँ धनात्मक है, ऐसे हो जाएगा। और नहीं तो इसी से निकालो, देखो तो निकल गया ना। किलोग्राम का क्या होगा, मीटर, किलोग्राम का क्या होगा, द्रव्यमान, मीटर के लिए क्या होगा, एल, और टी को कहाँ ले जाओगे, ऊपर, तो टी पर घात क्या होगा, माइनस वन। तो चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो पी की बीमा पता चल गया, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से बीमा इसका पता चल गया। तो रेखीय संवेग किसे, अभी संवेग की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि न्यूटन का जो द्वितीय गति विषय नियम है बेटा, वहीं पर जो है संवेग से तुलना किया हुआ है। और संवेग को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक जो है न्यूटन के दूसरे गति विषय नियम को हम नहीं जान पाएंगे। तो फिर यहाँ पर यहाँ शॉर्ट ले लीजिए वीडियो का, ठीक है। और फिर हम जो है अब मिटा करके एक न्यूटन के दूसरा गति विषयक नियम को समझा देते हैं, देखिए अब आगे।